बृहस्पति ते मंगल नीच दा हो जाता इंसान नूं जांडे सिर के पीलिया हो जाता है। जदों चंद्रमा ते बुध यह मिलते हैं तो मंगल का टकराव होता है। सो ऐसी हालत दे विच बीमारियां जिहड़ियां तंग कर दिया उपाय करना राहत मिल सकती है। तो विशेष करके जो एक क्रूर ग्रह दूजे ग्रह का मिल रहा हो तो क्रूर ग्रह का उपाय करो, जिदा कि बृहस्पति राहु होता राहु का उपाय करो। जब भी यह बीमारियां तंग कर दिया तो संबंधित ग्रह का उपाय करने के बीमारियों तो छुटकारा जरूर मिल सकता है। विशेष सलाह ये अस यही दे सकते हैं कि जो भी किसी जातक का राहु नीचता हो केतु का उपाय कर सकते, जो केतु नीचता हो उपाय भाव दस वे ग्रह वस्तुओं की सहायता के हो सकता है। पापी ग्रह का उपाय उन्होंने संबंधित प्राणियों वस्तुओं खिलाने हो सकता है। शनि जरा नीट के समय कौन सी रोटी पाओ, सो केतु के उपाय के लिए कुत्ते रोटी पाते रहो, संतान जो ना हुई हो बहुत लाभदायक होगा। मंगल बद के समय तुम जरा मृग शाला जी है मृग शाल उसका प्रयोग कर सकते, लेकिन हिरन मार के ना लियो, जेकर तो सरकारी तौर पर मिल जाए तो ही तुम हासिल करियो। फिर जरा तुम्बी के उत्ते केसर लगा सकते हो, कावान गुड़ तुम या चने फिर दो दुध धो के तुम जल प्रवाह कर सकते हो, या लाल कपड़े च बन के कुल रख सकते हो। राहु के उपाय के तौर पर तुम जरा हाथी में मूली खिला सकते हो। जे बीमारी पिछा नहीं छाटी तो एक हटे दूजी लग जाए, तो ऐसी हालत रोगों के संबंध में आम तौर पर असं भाव छे देखते हैं, लेकिन रोग की पूर्ण जानकारी के लिए तीजे पंजे नौवे भी देखना जरूरी है। इसलिए जब तीजे के नौवे के नीचता होता पंजवा भी नीचता हो जाता है, लेकिन जब असी भाव के नौवे के सूरज या पंजे के चंद्र हो भाव तीन नीच नहीं रहता। जन्म मुंडली कुंडली के जो सूरज चंद्र के नाल शुक्र के बुध बैठे हों तो जोड़ा साल के फल के मुताबिक यानी वर्ष फल के मुताबिक जब तीनों भाव पहले छेवें सत्तवें अठवें या दसवें च आ जाते तो उस साल जातक को दिमाग की खराबी या कोई होर बीमारी घिर लैंदी है। उपाय के तौर पर तुम छे कन्यावां नूं रोज दुध पिला के चांदी की चीज का दान करो, छे दिन लगातार ये उपाय करो। वैसे भी साल के एक दो बार जरूर करो तो ठीक रहेगा। होर उपाय असीं तुहानूं कल नूं जरूर दसांगे। बाकी जिन्हें भी साढ़े ऐसे उपाय दसे साढ़े फॉर वॉइस ऑफ पेशेंस के पढ़ सकते हो, जिन्हें तुम मंगवा सकते हो। जो थोड़ा कारोबार के रुकावट महसूस हो रही है, व्यापार बंद है, संतान नहीं हो रही, शादी के देर हो रही है, मंगलिक दोष है, गंढ मूल की प्रॉब्लम है, कर्जे सिर के उत्ते आ रहे हैं, काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है, पढ़ाई के दिक्कत ने, घर के बरकत नहीं हैगी, शत्रु थोड़ा परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े उत्ते हावी हुए हैं, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही, थोड़ा महसूस होंगे कि थोड़े उत्ते किता कराया खिलाया पिलाया या कोई उपरी कसर है, तुसी नशा तो दूर नहीं हो पा रहे, थोनू लंबी बीमारी है, या घरेलू कला कलेश अशांति हैगी है, घर नहीं बन पा रहा, प्यार दे विच धोखा मिल गया, या कोई सोतन तो परेशानी है, या घर दे विच वास्तु दोषां दी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी किस्मत मंदी है। जे इदां दी कोई भी समस्यावां ने तां उहदे एक वैदिक हल दे लई तुसी सानू अपना टेवा दिखा के उहदा हल पुछ सकदे हो। जी दमे दे विच साह फुलदा होवे जे तां रोगी नूं तुसी गर्म पानी पिलाउंदे रहो, बहुत वारी साड़ी बीमारी जिहड़ी है साड़ी बिल्कुल नहीं ठीक हो रही होंदी, असीं बहुत सारियां दवाइयां लैंदे आ फिर भी ठीक नहीं होंदे। ऐसी हालत दे विच सानूं टेवा जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि सानूं पता लग जांदा है कि किहड़े ग्रह दे कारण जिहड़ा है किहड़ी बीमारी आ रही है, ते छोटियां छोटियां जड़ियां बूटियां दे नाल वी तुसीं बहुत ज्यादा लाभ लै सकदे हो। ते जे तुसीं पुछना चाहो तां तुसीं टाइम लै के नाम नोट करा के साडे कोल आ के अपने उन्हां माड़े ग्रहां दे बारे पुछ सकते हो जिहड़े तुहानूं रोग दे रहे हैं, ते उहदे बारे सुझाव लै सकते हो कि किद्दां तुहाडे रोग उन्हां ग्रहां दे दान पुन खुद करके जल्दी ठीक हो। वास्तु च गल करदे हां दरवाजिआं दे महत्व दे बारे। तुहाडे घर दा दरवाजा पश्चिम दे विच है, उत्तर वल घूमदा है तां धन दे विच वाधा होवेगा। जे पश्चिम दिशा दा दरवाजा जिहड़ा है उत्तर पूर्व वल घूमदा तां बिगड़दे होए काम वी बन सकदे ते असफलता कदम चुमदी है। सो मकान दे पूर्व दे विच दरवाजा हैगा टॉयलेट गलत जगह बनी है, मंदिर गलत जगह बने, रसोई गलत जगह बनी है, इस हिसाब घर टलान जी कि रखनी है उथे नहीं है, टैंकी कि उथे नहीं है, टॉयलेट पिट जिथे नहीं होना चाहिए उथे है, यही कारण है कि लोग बहुत बीमार रहते हैं। जे थोड़े घर का वास्तु भी खराब है तो तुम या साडा पर्सनल विजिट करवा सकते हो, या साडे को नक्शा लिया के
ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੋੜੇ ਭੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਸਤ, ਅਸ਼ਵਨੀ, ਰੋਹਿਣੀ, ਸਵਾਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ, ਜੇਸ਼ਟਾ, ਉੱਤਰਾ, ਫਾਲਗੁਨੀ, ਫਿਰ ਉੱਤਰਾ ਸ਼ਾੜਾ, ਉੱਤਰਾ ਭਾਦਰਪਦ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਵਣ, ਕਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 12 ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਲਗਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਸ਼, ਕਰਕ, ਵਿਸ਼ਚਿਕ, ਤੁਲਾ, ਮਕਰ ਤੇ ਕੁੰਭ ਲਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਾਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਇਸ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਲਤੂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਗਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਅਖਬਾਰ ਚ ਐਡ ਪੜੀ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਪੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਮਾਧਾਨ 2000% ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰਿਕ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਜੋਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉਸ ਸਰਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ੂਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਯੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀ ਏ ਫਾਈਨਲ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਕਵਚ ਦਿਆ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਜ ਮੈਂ ਸੀ ਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ। मेरे बेटे की स्टडी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वो सीए क्लियर नहीं कर पा रहा था। मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और उन्होंने कुछ रेमेडीज बताई जिसकी वजह से आज वो सीए बन गया। प्यारे दर्शकों, ये है साडा अखबार वॉइस ऑफ एशियंस। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਕੇ, ਵਾਸਤੂ, ਨੁਕਤੇ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਤੇ ਰਤਨਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਉਧਾਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਕੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਟਸ ਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਟਸ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਜੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
मूल रंग तो अलावा होर रंग का धब्बा हो रोग बीमारियां कष्ट दिता है जिद थर दारियां हो अखा के लिए परेशानी दे सकता है जो खंडित हो जिसे गड्ढा हो शत्रु पैदा कर देता है जिद चमक न हो तनाशक हों जिद जाल हो घरवाली के लिए घातक हों लसूनिया जरा है ये कुछ उपरतन भी होंगे है जो व्यक्ति लसूनिया नहीं खरीद सकता यह उपरतन पा सकता है लेकिन यह लसूनिया तो घट प्रभावशाली होंगे है तीन तरह के उपरतन होंगे संघी गुदत गुदंती संघी कई रंगों के मिलता जिदा कि हरा लाल पीला काला बटमैला सफेद यह चिकना चमकदार होंगे लेकिन असर जरा है हिमालय के निकल वालिया नदियों के मिलता है फिर गुदंत जरा है सफेद रंग का चमकदार चिकना के वजन हल्का पत्थर होंगे है यह हिमालय के विंध्याचल क्षेत्र में मिलता है गुदंती जरा है यह गां के दंद के समान चमकीला होंगे गंडक के गोमती नदियों के मिलता है ज्योतिष के मुताबिक लसूनिया की गल कर रहे हैं लसूनिया आम तौर पर उन्होंने पाना चाहिए जिन्होंने जन्म कुंडली केतु दूषित या कमजोर या अस्त हो लेकिन खास तौर पर धारण करने की कुछ स्थितियां भी होंदिया केड़िया नोट करो जे जन्म कुंडली केतु दूजे तीजे चौथे पंजे नौवे या फिर जो दसवें भाव के स्थित हो लसूनिया पाना लाभकारी साबित हो जाता है जे केतु लसूनी कुंडली के किसी भी भाव के मंगल बृहस्पति या शुक्र के दल स्थित हो लसूनिया जरूर पा लेना चाहिए जे जन्म कुंडली के केतु सूरज के नाल या सूरज का दृष्ट हो लसूनिया पहनना उत्तम से शुभ मनिया जा सकता है रत्ना के बहुत ज्यादा शक्ति होंगी है यह रत्ना जो असं पाने तो ये कॉन्फिडेंस भी आता है साड़िया बहुत सारिया प्रॉब्लम्स दूर होंगे लेकिन साड़ा परसनल एक्सपीरियंस है असं जिन्हें भी लोगों के कुंडलियां देखी हैं उन्होंने 95% लोगों के या तो गलत रतन पाए होंगे या नकली पाए होंगे या वह पाए होंगे जिन्ह की लोड़ बिल्कुल नहीं है जेडे रतन पहने चाहिए है उन्होंने नेड़े की कभी वह नहीं निकलते रतन सूरज दी किरणा लैके शरीर तक पहुँचते हैं तो एक चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं जे तुसी भी कोई भी रतन पाना चाहते हैं तो उदू पहला सानू अपनी कुंडली जरूर चैक करा सकते हो तो असं तुम्हें सुजैसट कर सकते हैं कि तुम्हें कहड़ा रतन पाना चाहिए तो साढ़े को एक उपरतन की सिद्ध की हुई अंगूठी सिर्फ 700 रुपए तो लैके पा के निश्चित रूप के प्रभु का आशीर्वाद हासिल कर सकते हो हम नोट करो अज का राशिफल लेकिन पहला दस दिए कि रत्नों बारे होर जानकारी अखबार के वॉइस ऑफ एशियंस के भी पढ़ सकते हो मेष राशि वालों मन चाहे विआह की अज जी खुशी मिल सकती है प्रेम तो विआह तक का सफर तय हो सकता है लेकिन घरद्या की मर्जी के खिलाफ बगावत कभी ना करियो वरिष्ठ राशि वाले दूर दुराडे की यात्रा के नाल बिजनेस का चंगा फायदा हो सकता है मिथुन राशि वाले अफसर के नाल चंगी दोस्ती बन सकती जी चंगा फायदा दे सकती है कर्क राशि वाले कोर्ट कचहरी च हावी प्रभावी रहेंगे लेकिन सिंह राशि वाले झूठी गवाही दे के फस सकते हैं कन्या राशि वाले गुआढ़ियों की मदद लेना कोई कम सिरे जरूर चढ़ सकता है तुला राशि वाले ज्यादा नशा करेंगे तो सट जरूर खाएंगे वरिष्ठिक राशि वाले अचानक लोन मिलन के नाल घर बनन की थोड़ी प्रॉब्लम हल हो सकती है धनु राशि वाले विदेश के नाल संबंधित मसले सारे सुलझ सकते हैं मकर राशि वाले किसी का किता किराया थोड़ा परेशान कर सकता है कुंभ राशि वाले दिल नहीं लगेगा तो मीन राशि वाले आज का दिन जोड़ा है नवी योजनावान साकार हो सकती है बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि सुखविंदर जी असी आ पाके थोनू मिलना चाहते हैं थोड़े तो तकदीर का हाल जानना चाहते हैं थोड़े तो रतन रुद्राक्ष लेके पाना चाहते हैं वास्तु का विजिट करवाना चाहते हैं या नक्शा चेक करवाना चाहते हैं प्यारे दर्शकों इन सारिया चीजों के लिए तुसी सब तो पहला साढ़े तो समा ले सकते हो फिर आके ये बारे पूछ सकते हो साडा पता नोट कर लो ज्योतिषी सुखविंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया फोन नंबर 94170533 ते 98726020533 साढ़े इस प्रोग्राम नूं तुसी फेसबुक दे उत्ते ते यूट्यूब दे उत्ते देख सकते हो नाल ही नाल साढ़े अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच भी इहदे बारे पढ़ सकते हो सो एक गल असीं जन तों पहलां कह दईए सब तों वड्डा दर्जा जिहड़ा है मां दा जदों भी करन जांदे हां मां दे चरण छू के जाओ पिता जी दा आशीर्वाद लै के जाओ गुरु जनां दे दस्से होए रस्ते ते चलो झूठ ना बोलो गालां ना कड्ढो किसे दा माड़ा ना करो दसवंध कट के नेक कम्मां च जरूर लगा दिया करो तीआं नूं कुखच ना मारो हर घर दे बाहर एक रुख जरूर लगाओ प्यार दी बोली बोलो नशा तो दूर हो थोड़े सारे ही सितारे बहुत वधिया होंगे ते अपने सितारे तुसी साढ़े अखबार वॉइस ऑफ एशियंस दे विच भी पढ़ सकते हो कल फिर मिलते हैं जी नमस्कार ज्योतिषी सुखविंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया फोन नंबर 94170533 ते 98726020533